अब्बा एकदम मुलायम वाला तीस निकाल ले। अच्छा घुस ला पाते ये सब लाए ये। माल ला ये टेस्टी होता है रोग। पहले अम्मा को टेस्ट कराएंगे हटो। पहले अम्मा को टेस्ट कराएंगे ना। ये देखिए अम्मा देखिए फ्राई कर रही हैं। इसमें तेल नहीं डाला जाता तो इसको इसी तरह फ्राई कर देंगे थोड़ी देर तक। अब्बा साहबान से बात कर रहे हैं। देखा नहीं कल वीडियो कौन सी देखा है भाई तुमने। क्या घोसला है वो? हेलो दोस्तों हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो है घर पे आने में बहुत देर हो गई और साथ में जो है जब छुट्टी करके लौटे तो सब सारा सामान हम ले लिया और आज जो है मटन की दुकान खुली हुई थी तो हमने मटन भी ले लिया। देखिए अब्बा आपको खोल के दिखाएंगे। अरे यार क्या क्या लेकर आए हैं। यह देखिए बिल्कुल फ्रेश मटन कटवा के लाए हैं। यह आधा रूखा है और आधे में जो है पीस में जो है चिकना भी लगा हुआ है। यह देखिए इस तरह का पीस जो है बहुत टेस्टी होता है। ऊपर की तरफ इसे चिकना लगा रहे, रोगन भी कहते हैं बहुत से लोग इसे, और नीचे जो है पीस लगी रहे। यह देखिए और इसमें जो है हम लाए हुए हैं जिसको कहा जाता है चुर्री, फ्राई करके इसको खाया जाता है। इसको निकाल के हम आपको दिखाते हैं और आप भी खाए होंगे। यह देखिए एनिमल फाइड भी कहते हैं इसको, चुर्री भी कहते हैं। बस इसको क्या करना है कि गरम जो है तवे पे या कढ़ाई पे फ्राई कर लिया जाता है। ये 20 रुपए की। इसको दिखाओ भाई पहले। ये देखिए 20 रुपए की जो है इतनी जो हमको मिली है। ये देखिए अब बहुत अच्छी होती है, बहुत टेस्टी होती है ये। तुमको नहीं खाना तो ना खाना, हम लोग खा लेंगे। और ये देखिए शेरमाल लाए हैं अब्बा के लिए और अम्मा के लिए। पहले अम्मा को टेस्ट कराएंगे हटो। नहीं पहले अम्मा को टेस्ट कराएंगे ना। ये देखिए जैसे देखने में पिज्ज़ा लग रहा है। ठीक है अम्मा खा कर चेक करके बताएंगे। ये बिना दांत वालों के लिए बहुत बढ़िया शेरमाल है 40 रुपए की। अब भूख तो हमारे भी लगी हुई थी, थोड़ा बचा देना उसके लिए ना, चिल्लाने लगेगा। थोड़ा जमन के लिए भी रख दो। इतनी रख दो जमन के लिए, तू भी खा लेगा। तो हमारी तो थोड़ी सी भाई, इतनी से हमें दे दो, बाकी तुम खा लो। अम्मा बहुत देर हो गई हम लोगों को घर आने में। अब्बा ने फोन कर दिया था रास्ते से आना तो मटन ले लेना। भूख इतनी तेज लगी हुई थी तो हमने कहा थोड़ा शेरमाल ले लेते हैं, अब खा लेंगे थोड़ा सा, काम चल जाएगा जब तक। और बिल्कुल अब्बा की मर्जी का गोश्त लाए हैं, एक नंबर का ऐसा गोश्त बहुत पसंद है अब्बा को। ये थोड़ी सी जो है हाँ तुरंत। अम्मा देखिए फ्राई कर रही हैं, इसमें तेल नहीं डाला जाता, बस इसको इसी तरह फ्राई कर देंगे थोड़ी देर तक। और बहुत बढ़िया फ्राई हो जाएगी। अच्छा मसाले तैयार करके अम्मा रखे हुए थे, बस फोन पे हमको बता देते हैं, तुरंत ले आना बना देंगे। आज कटे मसाले में बनेगा, देखे कितना बढ़िया, एक नंबर का पीस भाई। सुबह का खाया था, चुर्री बन रही, चुर्री खा लेना, बहुत बढ़िया टेस्टी चुर्री, मुलायम वाली मुलायम। तो चलिए दोस्तों जब तक चुर्री जो है फ्राई हो जाए तो आपको दिखाते हैं कितनी बढ़िया जो है फ्राई होने के बाद जो है टेस्ट आता है इसका। हल्का डालिए काला नमक, हल्का वाइट नमक, हम बिल्कुल जरी सी मिर्ची है, और तब जो है आप खाइए मिर्ची हल्की सी बिल्कुल। ये जो दुकान है ये वाली जो बोटी रहती है बिल्कुल बर्फी की तरह रहती है मुँह में। ये देखिए फ्राई हो गई चुर्री। ये देखिए मिर्ची हल्की डाला जाता है इसमें, और इसका मुलायम नहीं चेक करके बताते हैं। चाट मसाला डालो जब मजा आ गया। वो तो गई है, ये है विटामिन B12 की कमी पूरा करता है मटन। मटन हो गया, गला जमा देता है हल्का पर्याप्त मात्रा में, गला जमा देता है। जरूरत से ज्यादा कुछ भी खाओगे नुकसान कर जाएगा, सब्जी खाओ जरूरत से ज्यादा नुकसान कर जाएगी, जाके गले में जम जाता है। ये देखिए भाई
मटन खाना भी जरूरी है, मीट खाना भी जरूरी है। जो लोग सब्जी खाली डिपेंड रहते हैं, मीट नहीं खाते हैं, उनको विटामिन B12 कमी हो जाती है। बहुत प्यारा है भाई, खाने में बहुत प्यारा टेस्ट है इसका। थोड़ा सा और गरम कर दे, मुलायम पीस खाओ, मुलायम पीस ये वाला बचपन में मुलायम पीस हो, पटरी पटरी मुलायम वाला पीस ये है। बहुत लाते रहे। ये है कि जो दुबले पतले लोग हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद है। अब शाहनवाज ज्यादा नहीं खाता, देखिए हेल्थ की वजह से ज्यादा का मुलायम वाला पीस निकाल रहे। मुलायम पीस प्याज लाल कर रहे हैं मामा, तो थोड़ा प्याज लाल हो जाए तो मसाला डाल के फिर मटन डाल ले, जब तक धुल जाए मटन। अच्छा घुस ला पाते हो जैसे हम लाए ये, ये टेस्टी होता है रोगन वाला माल, अच्छा लगना चाहिए ये इस तरह का। अरे इसे देखा पीस ऐसे टंगा हुआ था, हम कहीं इसी में से काट के निकालो। हाँ भाई, 1 तारीख तक जो है दूसरे वाले घर में हम शिफ्ट होने वाले हैं। 1 तारीख को जाना है कि 25-26 भाई साहब, ये महीने के अंत में बस हम लोगों को शिफ्ट करना है। उस दिन हमने जो है कटे मसाले में चिकन बनाया था, आज मटन बन रहा है कटे मसाले में, लेकिन मिर्ची कम रखना। हाँ नहीं मिर्ची बढ़ाओ यार, मिर्ची ना देगा खाना खाना भाई, मलक तो डाल लेना, उनको बहुत मिर्ची पसंद है। मिर्ची चाहिए, मिर्ची एक नंबर की मिर्ची चाहिए मुझे, मिर्ची वाला खाना खाने से सेहत बनती है। नहीं नहीं गलत बात है, गलत बात है। और ये बच्चा लेके आया है सारा सामान, जमन लेके आया है, क्या क्या लेके आ रहा है ये, तो फॉर्चुनर फॉर्चुनर कह रहे हैं फॉर्चून तेल फॉर्चुनर पालक। अरे यार एक बात बताओ, घर में सब्जी आ रही है, कल भिंडी भी आई लेकिन बनी बनते हुए नहीं दिख रही है, आज ये पालक आया लेकिन ये बनते हुए मैं कहीं नहीं दिखेगा, जरा आलू भी आया, दूध का पैकेट आया, दूध का पैकेट ये फटेगा हमें लग रहा है दूध। हाँ जैसे कल का खीरा कल वाला खीरा और खीरे वाला तुरंत बेच के भाग गया, समझ गया कि लौट के भी आएगा ये। हाँ इससे पहले भागो निकल चलो। जरा शाहनवाज का पैजामा और टी शर्ट देखिए, टी शर्ट जरूरत से ज़्यादा नीचे है, पैजामा जरूरत से ज़्यादा ऊपर है, सीने पे बंधा हुआ। कैसा है, बढ़िया है माल, मुलायम मुलायम है ना, कई लोग कुश्ती लाला जो है सब मुलायम है, खाने में कच्ची चीज़ी डाल के रोटी से ना क्या देते कौन, अरे है इलाहाबाद कच्ची कच्ची थोड़ी खाया जाता है इसको, लोग फ्राई मर जाएंगे डाल के रोटी से, अरे हटो फ्राई करके खाया जाता है तब मजा आता है, शैतान है कच्ची खाते हैं यार भाई, बढ़िया टेस्ट है मलाई की तरह आती है। अब 2-3 सीटी आ गई है, अब इसको जो है भूजा जाएगा हल्की हल्की आँच पे, और जितनी भी भूजाई होना है खूब भूजाई इसकी हो जाएगी। अब देखिए कितना बढ़िया जो है चिकनेदार माल है। और इमरान भाई जो है पूछ रहे थे कि जो है इलाहाबाद में किस जगह पर रहते हैं, और इलाहाबाद में हम लोग जो है दरियाबाद जोगी घाट में रहते हैं, और भोपाल का पूछ रहे थे कि जो है भोपाल क्यों चले गए। यहाँ कारोबार है हम लोगों का, जमा जमा है इसलिए यहाँ पर काम करते हैं, कारोबार करते हैं, और कुछ मौसम अच्छे हैं, सारी सहूलियतें हैं यहाँ पर हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग रहते हैं। देखिए उसके बाद जो है ये बनेगी आलू पालक की सब्ज़ी, ये सुबह दुकान जाने के लिए बनवाते हैं, डबल डबल रेसिपी बनाने पड़ती है, तो सुबह दुकान जाएंगे तो ये आलू पालक की सब्ज़ी लेके जाएंगे। पिछले 10 दिन से इनकी आँख ऐसी साट हुई है
एक तरफ की कि सही नहीं हो रही है। इतना आँख को मसल लिया इसने, एकदम लाल हो गई इसकी आँख। ये देखिए अब्बा को, तुम छोटे बच्चे हो, अभी छोटे बच्चों को लगती है 10 साल के बच्चों को। दस साल के बच्चों को सही भूख लगती है, देख लिया तो भूख अच्छी तेज बहुत है, इसकी कोई इंतहा नहीं। समझ लो भाई साहब, भूख पर जोश आ जाए, एक नंबर का आया है, उसको देखा गया उसकी शकल सूरत वहाँ गजब तो बहुत है, बस बर्दाश्त नहीं है। जल्दी जाओ भाई, बदलाओ। हाँ अरे राय जो छोड़ो, जाओ रोटी लाओ, तीरा कम हुआ, तीरा का जो बदल रहे हैं अरे कहीं नहीं। अब बस आवाज़ से बात कर रहे हैं, कोई देखा थे नहीं कल वीडियो वीडियो कौन सी देखा है भाई तुमने? हमने देखा है भाई साहब। कौन वाली? कौन वाली? सवान हिसाब बना रहा है, लिखा पढ़ी कर रहा है, बात भी कर रहा है, लिख भी रहा है। देखे रहे लोग क्या कर, सब लोग ने खाना वाना खा लिया है का? लेकिन अभी जो है हमको भूख नहीं लगी, हमने जो है खा लिया था तली हुई चुर्री, तो उसके बाद हमारे भूख नहीं लगी। अब क्या है कि हम जो है सिर्फ चावल खाएंगे और रोटी आज कैंसिल कर दी हमने, सिर्फ चावल थोड़ा सा खाएंगे, बिल्कुल ज़रा सा ज़्यादा। क्या है कि भूख लगी रहती है जब खाना तैयार नहीं रहता, तो थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं ना, तो फिर जो है आज नहीं खा रहे हो, आज नहीं है, आज कह रहे हो कि हमको देर में सवेर और देर हो रही है। नवाज ने भी खा लिया था, उसने को भी जो है भूख नहीं लगी है ना, तुम्हारा लेटा हुआ अभी। अब ये भाई हम भी बैठ गए खाना खाने के लिए। अब ये देखिए ये सब पीस जो है ये हमने लिया है, और जो बहुत बढ़िया बढ़िया पीस था वो हमने अब्बा को खिला दिया, क्योंकि हम उनकी जो है सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, हमको लास्ट में मिल जाता है जो हम खा लेते हैं। हाँ भाई कैसा नवाज हंस रहा है इस बात पे, हाँ अब्बा की सेहत का हमें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, अब शाहनवाज की भी सेहत का हम ख्याल रखते हैं। देखिए मेरे एक से बढ़ के एक पीस हमने दिया, सबसे अच्छा वाला जो पीस था वही हमने दिया था, क्योंकि हमें ज़्यादा पीस पसंद है भाई। ये है कि जो है ना ज़्यादा हमें दे कि जो है किसी को नाराजगी नहीं होना चाहिए खाने में, हमें ज़्यादा पीस पसंद है, इसको जो पसंद है वो खा ले, लास्ट में भाई हमको जो मिलता है वो चुपचाप खा लेते हैं, खाने पीने के मामले में हम ज़्यादा कुछ बोलते नहीं। चिकने वाला पीस पसंद है ज़्यादा, चिकने वाला चाहिए ये पीस, मिर्चा तो नहीं ना वैसे बहुत प्यारा खाने, मिर्चा तो नहीं भाई खाना बहुत ज़बरदस्त, खाना भी ठीक है, मिर्ची क्या है कि मिर्ची तेज हो जाती है तो हमको भी अच्छा नहीं लगता भाई, क्यों झूठ बोल रहे हैं, हम मिर्ची हल्की खाते हैं, कुछ लोग तेज खाते हैं मिर्ची, लेकिन तेज मिर्ची नहीं खानी चाहिए, बहुत नुकसान करती है स्वास्थ्य के लिए, अच्छी नहीं होती। नहीं सही बात, मसाला और मिर्ची का इस्तेमाल कम करिए, मिर्चा नहीं ना, मिर्चा इतना ऑटोमेटिक कर जाता है और चलने लगता है जो अंदर का, बिल्कुल रूखा पीस, बिल्कुल देखिए कितना बढ़िया पीस। ये देखिए ये रूखा पीस है, और ये चिकने वाला, अब वाला जो हमने पीस दिखाया था जिसमें जो है रूखे के नीचे जो है चर्बी लगी हुई थी वो अब्बा को खिलाया हमने, तो ठीक है दोस्तों खा ले फिर हम खाना डाल दो। तो भाई खाना वाना सब हो चुका है, और बहुत ही टेस्टी खाना बना था, मज़ा आ गया, सिर्फ चावल हमने खाया है, आज रोटी नहीं खाया क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया था,
तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।